हे माइक ऑन है ना। हाँ स्टार्ट करूँ बोलना। ओके ओके, तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू, माइक में प्रॉब्लम है भाई साहब, माइक चेंज कराओ। सो फाइनली हेलो गाइस एंड वेलकम टू पैंडेमिक जोन। सो अगर आज के वीडियो को हमारा टॉपिक है अरे यार मैंने अपनी स्क्रिप्ट रखी थी, कहाँ स्क्रिप्ट फेंक दी तूने। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है काय टायसन वर्सेज जिंगा एंड रयुगा इन अ टैग टीम मैच। अब टैग टीम मैच से मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा था बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में जैसे एफ डायनेस्टी वर्सेस टाइसन और डाइची का मैच हुआ था, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक तरफ जिंगा रयुगा और दूसरी तरफ वहाँ पे टाइसन और काय रहेंगे तो कौन जीतेगा। फॉर एग्जांपल आप मैच देख सकते हैं एफ डायनेस्टी वर्सेज डाइची टाइसन का, जैसे वो लोगों ने बैटल करा था एकदम सेम वैसे ही बैटल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम चारों ही बेब्लेडर की बात करें तो चारों ही बेब्लेडर ऐसे बेब्लेडर है जिनका मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आप सभी जानते हैं रयुगा क्या कर सकता है, टाइसन क्या कर सकता है, काय क्या कर सकता है और साथ जिंगा क्या क्या कर सकता है। तो गाइस यार चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इन दोनों का बैटल होगा तो सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन किसका होगा, क्योंकि टैग टीम मैच में ये नहीं कि जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वही जीतेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। अगर आप दोनों या फिर कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे डाइची और टाइसन का जब शुरू में मतलब कह सकते हैं मैच होता है डायनेस्टी से, तो वो लोग शुरू में हार गए थे क्योंकि उन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, दोनों लोग एक साथ लड़ नहीं रहे थे, दोनों लोग अपने अपने अपोनेंट को मार रहे थे, इसलिए दोनों लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो था नहीं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जिंगा और रयुगा में तो आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन उन दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो रयुगा आज तक कभी जिंगा के साथ बस बे बैटल ही करा, ना ही कभी जिंगा से उतने अच्छे से बात करा, ना ही वो जिंगा को उतना अच्छा अपना दोस्त मानता है। तो कह सकते हैं रयुगा एक ड्रैगन एम्परर, उसको कोई मतलब नहीं, वो चाहे तो तीनों ही बेब्लेड को एक साथ बेस स्टेडियम से बाहर कर देगा। तो कह सकते हैं रयुगा के पास एडवांटेज ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे टायसन काय के बारे में, तो देखो यार काय भले ही बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और ब्लेड ब्रेकर्स के साथ नहीं रहता, बट यहाँ पे अगर हम बात करें काय के बारे में तो ब्लेड ब्रेकर्स के साथ शुरू में था, बहुत सारी मैचेस भी लड़ा टायसन के साथ, तो उसका कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एक तरीके से टायसन के साथ बहुत ही अच्छा है। और काय और टायसन एक अपना स्पेशल मूव भी तैयार कर सकते हैं, अगर वो दोनों एक साथ एक मैच में लड़ेंगे तो उन लोगों का एक स्पेशल मूव ऑटोमेटिकली बन सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं चारों ही बेब्लेडर की पावर लेवल के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिंगा के पावर लेवल के बारे में, तो वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा डिपेंड रखा है पूरा, मतलब देख सकते हैं मेटल सीरीज में वो अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा तक करके डिपेंड था, बट देखा जाए जिंगा भी ठीक ठाक ब्लेडर है, उतना बेकार भी नहीं है। और यहाँ पे हम बात करें काय के बारे में, तो काय के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं। और वहीं टायसन की बात करें, टायसन आप जानते हो हर कितना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं फनी टाइप का बेब्लेडर है टायसन भी, और कह सकते हैं कि जब बेब्लेडिंग की बात आती है तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रयुगा के बारे में, तो रयुगा तो शुरू से सीरियस था, वो आज तक कभी हंसा भी सकते हैं एंटरटेन करा है, बट हाँ कह सकते हैं कि उसका जो ड्रैगन एम्परर का लुक है वो हम लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहीं अगर हम बात करें अब विनर के बारे में, तो विनर जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे टायसन और काय के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बहुत से लोग कहेंगे भाई रयुगा को क्या तो कम समझा, रयुगा ऐसे मारेगा सब उड़ जाएंगे। तो देखा रयुगा मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है, और रयुगा से अच्छा भी कोई मतलब हाँ यार रयुगा से भी अच्छा है काय भाई, लेकिन यार रयुगा के पास ये है कि वो सबसे पहले एक तो पावर को स्टिल कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा उसमें एडवांटेज है। और वहीं अगर हम बात करें जिंगा के पास, तो जिंगा भी उसको सपोर्ट तो करेगा ही, तो रयुगा और जिंगा में एक तरह से कह सकते कोऑर्डिनेशन जो नहीं बैठेगा वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी रहेगा उन दोनों के लिए, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तब तक आप चाहे जितनी ताकत लगा लो नहीं हरा सकते। और वहीं अगर हम बात करें मान लीजिए टायसन और काय एक साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के खेल रहे हैं, तो रयुगा चाहे जितना ही अटैक करे दोनों लोग पर एक साथ, लेकिन रयुगा का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि यार रयुगा जैसे कि आप जानते हो रयुगा इतना ज़्यादा पावरफुल ब्लेडर है, भले ही वो मतलब उसको कुछ इफेक्ट ना उसके ब्लेड को जब सब लोग अटैक करेंगे उस पर, लेकिन यार रयुगा कह सकते हैं कि जिंगा की बात तो कभी नहीं मानने वाला कि एक साथ मेरे साथ लड़ो ऐसा वैसा। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा अगर इन चारों लोगों की फाइट होती है इन अ टैग टीम मैच, तो यहाँ पे काय और टायसन जीत जाएंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रयुगा और जिंगा नहीं जीत सकते, जीतने का तो वो दोनों भी जीत सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम बात करें वो कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो वो इन दोनों में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ रयुगा चाहे तो तीनों लोग को एक साथ हरा सकता है, लेकिन यार रयुगा की बात यहाँ पे अलग है। देखो यार टायसन और काय को कम मत समझो, काय ने ब्रुकलिन तक हराया है, तो काय को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है काय बहुत कुछ कर सकता है, और रयुगा को भी यहाँ पे हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि जब इन दोनों का बैटल होगा टैग टीम में तो वहाँ पे काय और टायसन जीतेंगे। और वैसे अगर वन ऑन वन मैच होता है तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा कौन जीतेगा। तो बस सारे इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वह मिलेंगे अपनी पता नहीं कौन सी वीडियो में, बट मिलेंगे जल्दी, ठीक है। तो बाय बाय।